वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन. या आई वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग. देर इज वन गर्ल आई डोंट नो जो रॉन्ग ईमेल पे मुझे असाइनमेंट्स भेज रही है. ओके सी स्टूडेंट्स, माई करेक्ट ईमेल आई डी यू ऑल नो. आई विल डू वन थिंग, मैं फिर से चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ. जस्ट लेट मी टाइप, जस्ट गिव मी अ मिनट. बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स किसी और ही ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं, विच इज रॉन्ग. सी स्टूडेंट्स, दिस इज माई करेक्ट ईमेल आईडी. ओके सो JALUN है. सो आई टेल यू प्रिया मास्कर, इज शी फ्रॉम दिस डिविजन? प्रिया मास्कर, बिकॉज उसने वही लिखा है. ओके आई मीन शी इज सेंडिंग टू मी ईमेल्स ऑन द रॉन्ग ईमेल आईडी. इज शी योर प्रिया प्रेजेंट है? प्रिया मास्कर, एनी वन हु नोज हर, प्रिया को कोई जानता है? आई मीन देन प्लीज टेल मी, आई मीन प्लीज टेल हर टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन द करेक्ट ईमेल आईडी. फाइन, ओके फाइन, एनी वे दैट्स फाइन, बिकॉज इफ शी इज सेंडिंग ऑन द रॉन्ग आईडी तो मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी. ठीक है, सो फाइन. सो सी स्टूडेंट्स, हमारा ये मैंने आपके लिए अलग से भी पीपीटीज बनाए थे, तो ये आंसर्स जो है हमारे हो चुके हैं. राइट, यू ऑल ऑलरेडी नो. मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ. अच्छा कोमल, ओके फाइन. सो कोमल, जस्ट टेल हर कि मेरा करेक्ट ईमेल आईडी, आई हैव रिटन इट इन द चैट बॉक्स. ओके शी इज सेंडिंग ईमेल्स इन माय अनदर ईमेल आईडी, JALU29, दैट आई डोंट यूज एक्चुअली. ओके JALUN वाले पे ही आई विल कंसिडर. सो जस्ट टेल हर कि पहले के भी उसके जो भी असाइनमेंट्स उसने अगर बाय मिस्टेक सेंड किया हो, सेंड इट ऑन दिस ईमेल आईडी ओनली, एन वाला जो है वो. ठीक है, या बिकॉज रॉन्ग भेज रहे हो वो तो मैंने बोला, अदरवाइज आपके पूरे 0 मार्क्स हो जाएंगे. ठीक है, ग्रेट. सो सी स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ये सब हमारा हो चुका है. राइट, लास्ट लेक्चर इतना मैं पीपीटी में इन्वॉल्व हो गई थी, मैंने सेपरेटली भी ऐसे पीपीटीज बनाए थे. राइट, सो एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस सब्जेक्ट आज, आई मीन टिल हियर टूडे, वी हैव टू स्टडी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस. एक नया आंसर स्टार्ट करना है, सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस. बट यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? एनी वन ओवर हियर? ये हमने ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग. राइट, लास्ट टाइम ऑल ऑफ दिस, जस्ट गो थ्रू इट वंस, गो थ्रू इट वंस. लेट मी शेयर विथ यू अनदर पीपीटी ऑल्सो. ओके ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं दिखाया था, वो एक में से ही बन दिखाया था, बट सिंस आई हैव टेकन एन एफर्ट टू मेक इट फॉर यू, इसे आज जस्ट दिखा रही हूँ. ओके ताकि आपको पता चल सके कि हमारा क्या हुआ है. सी इसके बाद एड्स टू ट्रेड के लिए सेपरेटली भी, एंड एज यू ऑल नो ये पीपीटीज मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ ऑन योर ग्रुप. राइट, एड्स टू ट्रेड का पीपीटी. ठीक है, या ठीक है, यू ऑल नो दिस, ये सब हमारा हो चुका है. ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, एंड इट्स गुड टू सी आज बहुत सारे लोगों ने वो किया है. मैंने जैसे कि कहा है, दे 4 डिजिट स्टूडेंट आईडी, दे हैव रिटन इट इन द चैट बॉक्स. ओके सो दोज ऑफ यू हु हैव नॉट रिटन, प्लीज नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ज्वाइन द सेशन आप लोग लिखा करो. ओके वेरी गुड, ओके फाइन. So let me now start sharing the main PPT for today. Just give me a minute. Yes, this is the slide that we have to start today. Importance of business. Okay. सी स्टूडेंट्स, इसमें आई वुड से देर आर टू टाइप्स. ओके इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ फर्म, एंड दूसरा टाइप इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ कस्टमर. ठीक है, तो इसमें हमें दो टाइप्स में डिवाइड करने हैं. मैं आपको फर्स्ट वही समझाने वाली हूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ फर्म. इनफैक्ट आप लोग खुद मुझे वो आंसर कर सकते हो. ओके एंड द लास्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी. ठीक है फाइन.
तो वी आर स्टार्टिंग वन बाय वन नाउ. फर्स्ट मैं वही आप लोगों को करा रही हूँ नाउ. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू अ फर्म. आई वुड से जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. ऑल ऑफ दिस जो आपको लिखा है, यू नो, मैंने आपने आज तक मेरे सब लेक्चर्स अटेंड किए हो, यू विल बी एबल टू आंसर दिस. ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद पहले मुझे आराम से सोच के बताओ, बिजनेस अगर कोई अच्छा कर रहा है, ओके फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल फोन्स बेच रही हूँ, आई एम डूइंग एक्सट्रीमली वेल एज अ बिजनेस, तो नाउ यू पीपल आंसर टू मी इट इन द चैट बॉक्स. मेरे लिए क्यों बिजनेस इम्पोर्टेंट है, उससे मुझे क्या फायदे एडवांटेज हो सकते हैं, जस्ट आंसर इट इन द चैट बॉक्स वन बाय वन. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू फर्म्स, बिजनेसेस, वेरी गुड. ओके लेट मी टेल मी वन बाय वन. ओके फर्स्ट आंसर मुझे है एब्सोल्युटली राइट. आशीष, पूर्वी, मनीष, प्रीति, दे हैव टोल्ड मोहिनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स. एब्सोल्युटली. सो सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में गुड, अंकिता, आंचल, नंदनी, आप लोग देखो टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ओके नाउ सी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स में अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, प्रॉफिट मेकिंग जो था ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, इसके अलावा भी कंपनी के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. कैन यू टेल मी अबाउट दैट, और क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट मेकिंग तो एक चीज़ है, बट उसके अलावा भी कंपनी वांट्स टू अचीव समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कैन यू टेल मी क्या एम करते हैं कोई भी बिजनेस, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. अच्छा आई विल गिव यू अ हिंट, प्रॉफिट के साथ. एब्सोल्युटली वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स. ओके सो आई विल टेल वन बाय वन नाउ. फिजा ने लिखा है ग्रो अप एंड डेवलप, वेरी गुड. आई वुड फ्रेम दिस पॉइंट एज रादर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, बिकॉज हर एक कोई कंपनी को आगे बढ़ना ही होता है. वेरी गुड. मोहिनी ने लिखा है रेप्यूटेशन, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट. सी स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट. रियली सॉरी स्टूडेंट्स. ओके यार, कमिंग बैक टू वॉट आई वॉज टेलिंग, रेप्यूटेशन का आपकी टेक्स्ट बुक में वो जो पॉइंट लिखा है, कॉरपोरेट इमेज. सी स्टूडेंट्स, रेप्यूटेशन वी ऑल नो, हम बोलते हैं ना कि ये कंपनी का रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छा है, मीन्स वॉट, बेसिकली उनका नाम काफ़ी अच्छा है, राइट? तो कॉरपोरेट इमेज. सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू थिंग्स हाउ दे गो हैंड इन हैंड. आप लोग मुझे बताओ, कल टाटा कंपनी है, राइट? गुड, आई एम गेटिंग द आंसर्स, वेरी वेरी गुड. आप लोग मुझे बताओ, कल अगर टाटा जैसी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग इज, यू नो, लोगों के पास से पैसा ले रहे हैं टू इन्वेस्ट इन देयर कंपनी. टेल मी, आप लोग क्या उसमें अपना हार्ड अर्न मनी विल यू इन्वेस्ट इन टाटा? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, येस और नो, क्या आप अपना हार्ड अर्न मनी टाटा में डालोगे? यस एब्सोल्युटली, मैं यही सुनना चाहती थी. मोहिनी, नंदनी, प्रीति, वेरी गुड. नेहा, गुड. आशीष, अंकिता, आंचल, ओके सी, बिकॉज हमें वो कंपनी पे ट्रस्ट है, ओके इसलिए वी आर इन्वेस्टिंग. आपको पता ही है, गुड रीमा, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स. तो वो लोग ऐसे ही अपने नहीं पैसे डालने वाले हैं, राइट? दे वांट टू अचीव समथिंग, डेफिनेटली. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो कॉरपोरेट इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें यू नो आई विल टेल वन मोर पॉइंट जो मुझे किसी ने आंसर किया था, आई विल टेल यू वन मिनट. प्रियंका हैड टोल्ड मी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड पॉइंट. ओके सी स्टूडेंट्स, टाटा का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सिंपल. आपने वो हैवेल्स का तो वीडियो देखा ही था, राइट, टू अंडरस्टैंड वॉट इज सी एस आर. टाटा का आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं. हैव यू हर्ड ऑफ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल? परेल में है वो, फॉर कैंसर पेशेंट्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट? कभी गए हो, सुना है, जस्ट लेट मी नो. इट इज जस्ट नियर टू एम हॉस्पिटल इन परेल. एब्सोल्युटली, हाँ, थैंक्स फॉर आंसरिंग. मैं वही बोल रही थी, यू नो, आप देखो टाटा कितना करता है. सी आपको पता ही है स्टूडेंट्स, यू नो, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम देयर टू ट्रीट कैंसर. आपको पता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर हम जा रहे हैं कुछ इलाज करवाने, कितना महंगा हो जाता है, राइट? दैट इज वॉट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, यू नो. तो टाटा ऐसी सोशल एक्टिविटीज करता है, इसलिए उनका
का कॉर्पोरेट इमेज सोसाइटी में इतना अच्छा नाम है, ओके अच्छा नाउ सी स्टूडेंट्स ऑन दैट नोट ओनली आप लोगों ने मुझे कहा है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस राइट, वो भी एक पॉइंट आ गया ग्रोथ एंड एक्सपांशन। टेक्स्ट बुक में है वो जो आपका 6 पॉइंट लिखा है। अच्छा इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ, ओके लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट विथ यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग और भी पॉइंट सोच के रखो, आप लोग ही मुझे आंसर्स बता रहे हो, दैट्स वेरी गुड। थिंक अबाउट मोर पॉइंट्स, क्या बिजनेस को फायदा है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फर्म्स, इम्पोर्टेंस टू बिजनेस फर्म, रो बिजनेस में क्या फर्म्स को फायदा हो सकता है। जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर लिखो, तब तक वो मैं आपके लिए पीपीटी फाइंड कर रही हूँ, ओके बिकॉज इस सेम सब्जेक्ट में टीवाई बीबीआई में भी पढ़ा रही हूँ, सो उसमें से अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके समझा रही हूँ। अच्छा तब तक आप लोग वे सोचो कि बिजनेसेस को क्या फायदा हो सकता है, ओके इम्पोर्टेंस ऑफ अ बिजनेस टू फर्म्स, दैट इज वॉट योर क्वेश्चन इज, ओके फाइन या जस्ट थिंक अबाउट इट, आंसर मी इन द चैट बॉक्स, तब तक आई एम यू नो मैं आपके लिए एक स्क्रीन शॉट ले रही हूँ, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी जो है, ओके और भी कुछ है वो, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, डोंट वरी अबाउट इट, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। या नाउ आई विल बी एबल टू शेयर द फोटो, मैं एक पॉइंट वाइज ही जा रही हूँ राइट, तो ग्रोथ हमने जो पॉइंट लिया था उसका मैं शेयर कर रही हूँ। सी स्टूडेंट्स ओके आप लोग सिर्फ यहीं पे ध्यान दो, टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ये यू नो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके जस्ट सी। फर्स्ट वन आपको दिख रहा है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। सी स्टूडेंट्स आप देखो हाँ पहले आप देखो, नाउ पे अटेंशन टू दिस, मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स वॉट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग मार्केट, आप आपके ऊपर देखो एंड लेफ्ट में देखो, ये आपको दिस विल हेल्प यू रिमेम्बर, ओके मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स वॉट स्टूडेंट, अगर हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है, आई हैव टोल्ड यू मैं करंटली मुंबई में ही बेच रही हूँ, तो मेरा सेम प्रोडक्ट है सेम मार्केट है, तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट बाय करें, वॉट आई विल डू इज यू नो मैं मैक्सिमम एडवर्टीज करूंगी, मार्केटिंग एफर्ट्स लगा दूंगी राइट। नेक्स्ट वन येस गुड पूर्वी, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, आप देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको क्या दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा है न्यू प्रोडक्ट्स, बट लेफ्ट में देखो एग्जिस्टिंग मार्केट राइट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं बट मार्केट सेम है, मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू नो अगर मैं मोबाइल फोन मुंबई में बेच रही थी, अब तक मैं 2G 3G वाला फोन ही बेच रही हूँ, बट न्यू प्रोडक्ट मीन्स वॉट, अभी मैं 4G 5G फोन्स बेचूंगी राइट। सेम वे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी मीन्स वॉट, आप देखो ऊपर क्या लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, लेफ्ट में क्या लिखा है न्यू मार्केट, एब्सोल्युटली तो मार्केट डेवलपमेंट मीन्स वॉट, हम नए मार्केट एंटर कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट लेके, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा 2G 3G फोन है, चलो मुंबई में मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज मैं दूसरे सिटीज में भी जाऊँ, पूरे महाराष्ट्र में जाऊँ राइट, आफ्टर ऑल मुझे प्रॉफिट कहाँ से भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है राइट। या द लास्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। सी स्टूडेंट्स डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली यू नो एक्सपांड, मतलब सी न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू मार्केट,
मतलब यू नो न्यू प्रोडक्ट्स, मतलब मैं फोन तो बेच ही रही हूँ बट उसके साथ यू नो आई विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग ईयरफोन्स, लैपटॉप्स एंड न्यू मार्केट. मे बी आज मैं इंडिया में बेच रही हूँ, कल मैं फॉरेन में भी बेचूंगी, राइट? मतलब मैं वही समझाना चाहती थी, दीज आर टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, दैट इज बेसिकली वॉट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू. हैव यू अंडरस्टूड क्या था वो? मैं थोड़ा रशअप कर रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज ये एक एक पॉइंट है, ठीक है? आपको अगर नहीं समझाओ आई वुड से वॉच माई रिकॉर्डेड वीडियो, ओके? तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको उतना डिटेल में नहीं है, ठीक है? या सो इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस नाउ. ओके, नाउ लेट मी कम टू योर चैट बॉक्स. हमारे 3 पॉइंट्स हो गए हैं. ओके, लेट मी सी आप लोगों के पॉइंट्स देख रही हूँ, आप लोगों ने जो लिखा है. ओके अच्छा, ओके, टेल मी वन थिंग, इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन वन ऑफ अवर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, येस और नो? कस्टमर सेटिस्फेक्शन येस और नो, जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स. सी स्टूडेंट्स, मैंने यू नो मार्केटिंग के टाइम पे आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन की थी, राइट? आज के टाइम में कस्टमर इज द किंग. अगर हम कस्टमर को नहीं खुश रख पा रहे, इजीली वो किसी और के पास चला जाएगा, राइट? सो वही बेसिकली लिखा है. सी आई एम जस्ट शोइंग यू अ पीपीटी, आगे के लेक्चर्स में भी दिखाऊंगी. देखो, कस्टमर प्रोटेक्शन, जागो ग्राहक जागो. आज का कस्टमर जो है वो अलर्ट है, येस और नो? तो इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट एब्सोल्यूट लिकिंग ऑफ मार्केट. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब यू नो सी स्टूडेंट्स, मैं आज के टाइम में बोल रही हूँ, आज के टाइम में हमने प्रोडक्ट सिर्फ सेल कर दिया, उतना ही इनफ नहीं है. सेलिंग करने के बाद भी यू नो आफ्टर सेल सर्विस हम कैसे दे रहे हैं, इवन दैट इज व्हाट मैटर्स. ओके ओके, ऑन द सेम पॉइंट्स आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं बिजनेस अच्छा कर रही हूँ तो टेल मी वन थिंग, मेरा एफिशिएंसी बढ़ेगा कि नहीं? एफिशिएंसी, सी स्टूडेंट्स, एफिशिएंट मींस व्हाट? आप लोग मुझे बताओ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछे, एक बिजनेस है अगर, ओके, यू पीपल टेल मी हाउ इट विल बी एफिशिएंट बाय गिविंग व्हाट? एफिशिएंट मींस नंबर वन या एक्सीलेंस की हम बात करते हैं, तो वो कब हो सकता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं बिजनेस का सक्सेस डिटरमाइन कर सकते हैं? कैन यू टेल मी क्या उनके पास अच्छा होना चाहिए, बताओ मुझे. गुड, पूर्वी हैज रिटन प्रोडक्ट, व्हाट शी मींस इज बेसिकली यू नो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. मतलब क्या बोल रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना है, राइट? ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट में बेचते रहे, नो, देयर शुड बी न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. गुड, उसके अलावा चलो मैं आपको एक और दे रही हूँ, टेक्नोलॉजी के लिए हमें किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यू हैव ऑलरेडी डन दिस वन वर्ड विथ R&D, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&D, बताओ. R&D का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? R&D वी हैव डन इन डिटेल, बताओ मुझे फुल फॉर्म. R&D का कुछ फुल फॉर्म है. गुड फिजा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर वी हैव ऑलरेडी डन दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आप लोगों को याद आया, एब्सोल्युटली. सो लेट मी नाउ टेल हैज आंसर्ड. फिजा, तुषार, मोहिनी, वेरी गुड. ओके, यू ऑल नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कॉन्स्टेंटली कोई नए प्रोडक्ट पे वर्क करना. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल ग्रोथ उससे ही डिटरमाइन होता है, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, और एक चीज मुझे किसी ने नहीं बताई यहाँ पे, यू पीपल टेल मी, मैंने जहाँ पे काम किया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डू यू थिंक वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अच्छे एम्प्लॉयज होना? येस और नो? सी आइडियली स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड हैव कम टू योर माइंड. ओके, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कंपनी में टीम वर्क होता है, टूगेदर एवरी वन अचीव्स मोर. तो अगर हमारे एम्प्लॉयज ही अच्छे नहीं हुए तो हाउ विल यू मेक श्योर दैट यू विल अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एब्सोल्युटली आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अच्छे होने चाहिए. और हाँ, राइट, उन्हें हम गुड स्किल्स, मतलब स्किल हम उन्हें कैसे देंगे, बाय ट्रेनिंग देम, उन्हें कुछ काम सिखा के. ओके, तो आई होप
आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, हमारे काफी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, अब दो तीन पॉइंट्स ही रह गए हैं, ठीक है? या सो आई विल डू वन थिंग स्टूडेंट्स, या ये जो हमारे पॉइंट्स थे लेट मी सी कितने होते हैं, ओके ठीक है फाइन ओके। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट्स रह गए, अच्छा दिस आई विल आंसर इट टू यू, हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड नोन एज बेंचमार्किंग? मुझे बताओ आपने कभी सुना है बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्क अच्छा सी स्टूडेंट्स एवरीवन लुक एट योर चैट बॉक्स, मैंने कुछ वर्ड्स टाइप किया है, फर्स्ट पे अटेंशन टू दैट। सी स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, बेंचमार्किंग मींस व्हाट? फॉर एग्जांपल इफ द क्लास में एक फर्स्ट रैंकर है, फॉर एग्जांपल उसे 90% आए, वो सबके लिए बेंचमार्क बन जाएगा, येस और नो? बेंचमार्क का मीनिंग क्या हो जाएगा कि सबको एटलीस्ट उसके जितने मार्क्स लाने ही है, दैट इज योर बेंचमार्क हाईएस्ट लेवल, ओके? वही मैं आपको समझा रही थी, सेम बिजनेसेस में भी, फॉर एग्जांपल करंटली आप देखो जियो नंबर वन है इन द मार्केट, ओके? सो नाउ इफ अगर वोडाफोन है, आइडिया है, और भी अगर कोई बिजनेसेस है, अगर वो लोग खुद को जियो के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो आई मीन दैट इज नोन एज बेंचमार्किंग, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द बेस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, ओके? यस, वही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस व्हाट? अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो, अच्छा हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स आपको क्या एडवांटेज है? जियो का एग्जाम्पल आप लोग देख लेना स्टूडेंट्स, उनके प्राइसेस कम है, पैकेजेस यू नो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, राइट? ये सब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गए। टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, सैमसंग, ये सब यू नो कंपनीज है, इनके पास काफी ये लोग कॉम्पिटिटर्स से आगे है, राइट? वही मैं आपको समझाना चाहती थी बेसिकली, ओके? सी स्टूडेंट्स, ओके ग्रेट। हाँ अभी स्टूडेंट्स और एक मोंगोस, व्हाट इज इट मोंगोस, मुझे समझा नहीं, ओके या मैं इसमें आपको सोशल स्टेटस का एग्जांपल दे रही थी, एक टेक्स्ट बुक में पॉइंट है, अगर आप लोग देखो यू नो आई वाज टॉकिंग अबाउट टाटा, तो मिस्टर रतन टाटा की मैं बात करी, उन्होंने यू नो जो कैंसर केक का एक, अच्छा मोंजिनीज, अच्छा मोंगोस नहीं है, इट्स मोंजिनीज, ओके? हाँ स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, या हाँ तो मैं आपको वही समझा रही थी, सोशल स्टेटस मतलब सोसाइटी में हमारा कितना नाम है, तो रतन टाटा है, मैंने आपको कहा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ओके? आपने इनका नाम सुना है स्टूडेंट्स, नारायण मूर्ति, हैव यू हर्ड ऑफ दिस पर्सन? मैं चैट बॉक्स में इनका नाम टाइप कर रही हूँ, नारायण मूर्ति, गुड, ही इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? मोहिनी, इफ यू नो जस्ट टेल मी। अच्छा सी स्टूडेंट्स आई हैव टाइप्ड इट इन द चैट बॉक्स, नारायण मूर्ति इज एसोसिएटेड विद इंफोसिस, ओके? आईटी कंपनी है इंफोसिस, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, यस गुड, इद्रिसी नोज ऑलमोस्ट, यस इन्फो एस वाई एस है, यस हाँ। तो मतलब मैं वही बोल रही थी, व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग बैक टू द सोसाइटी, इनका नाम काफी आगे हो जाता है। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? बहुत सारे इन्होंने डोनेशंस दिए टूवर्ड्स एजुकेशन, यू नो स्टूडेंट्स गांव साइड काफी स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक आपने वो हेवेल्स का वीडियो देखा था CSR का, राइट? व्हाट बेसिकली हैपेंस इज यू नो स्टूडेंट्स उनके पास नहीं होते पैसे पढ़ने के लिए, ओके? सो दे लिटरली प्रोवाइड देम एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, आई मीन सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ये लोग, राइट? तो इसलिए सोशल स्टेटस, तो हमारा इन अ गुड वे सोसाइटी में नाम हो रहा है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली ओवर हियर, ठीक है? अभी हमारे दो ही पॉइंट्स रह गए, आई विल टेल यू व्हिच इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आई गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन, ओके? और टेल मी आप लोगों ने कंसेप्ट सुना है कि नहीं, वन मिनट,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, जस्ट टेल येस और नो, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। यू मस्ट बी हैविंग अ सब्जेक्ट नोन एज इकोनॉमिक्स, राइट? नहीं है तो भी आपको इतना मीनिंग पता होना चाहिए। एनी वन कैन टेल मी वॉट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या होता है वो कंसेप्ट? मैंने आपको शायद समझाया था, नहीं समझाया तो आज समझा दूंगी। एनी वन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग? ओके फाइन, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स। आपको एक, मुझे पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर करो। डी मार्ट, एवरी वन मोस्टली शॉप्स फॉर्म डी मार्ट, राइट? आप लोग मुझे बताओ, डी मार्ट जो है क्यों इतने कम प्राइस में दे सकता है आपको प्रोडक्ट, व्हाट इज द रीजन? डीमार्ट क्यों आपको इतने कम प्राइस में दे रहा है प्रोडक्ट्स? डज एनीवन नो द रीजन? कभी ये चीज के बारे में सोचा है स्टूडेंट्स? ओके, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स व्हाट देन। अच्छा आप लोग, मैं पहले एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सी आप लोग भी कभी, गर्ल्स कैन मे बी रिलेट टू दिस मच बेटर। आप लोगों ने यू नो, अगर कभी गुरुवार मार्केट एंड स्ट्रीट शॉपिंग करने जाते हो, यू ऑल ऑलरेडी नो दिस। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, यू नो, हम उसको बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक शर्ट अगर 150 रुपीज का है, तो वॉट वी डू इज हम लोग 3 शर्ट खरीद रहे, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, मैंने तेरे से 3 लिया है, चलो आइडियली 150 होना चाहिए, राइट? वॉट वी टेल हिम इज नहीं, तू मुझे 120 में करके दे, राइट? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा माल खरीद रहे हैं, तो पर प्राइस आई मीन नॉर्मली हमें 50 रुपीज में पड़ता, राइट? बट अभी मैं 120 कर रही हूँ, राइट? तो मुझे कम प्राइस में मिलेगा। हाउ मच इज 120 डिवाइड बाय 3, करो 40 रुपीज, राइट? वहां पे अगर हमें 50 रुपीज में मिलता है एब्सोल्यूटली, तो मतलब यू नो, इसमें वही मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स व्हाट। हमारा बिजनेस जब बड़े लेवल पे होता है ना स्टूडेंट्स, तो पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है काफी कम हो जाएगा, इसलिए यू नो डीमार्ट को इतना परवड़ता है। यू नो लोकल शॉप्स वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लोग एक साथ यू नो ज्यादा पीसेस नहीं मंगाते। डीमार्ट का पूरे इंडिया में आउटलेट से आप खुद सोचो, इतना ज्यादा माल मंगाता होगा, कितना उसे डिस्काउंट मिलता होगा, फिर डेफिनेटली पर प्रोडक्ट, पर पीस जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो कम हो ही जाएगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो, ठीक है? या द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, लास्ट पॉइंट जो है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, आपकी टेक्स्ट बुक का 8 पॉइंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिकली यही बताना चाहती हूँ, ये आप लोग पहले से ही इकोनॉमिक्स में सुनते आ रहे हो, ओके? रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, काफी कम रिसोर्सेज होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, उसका काम क्या होता है, टू मेक द बेस्ट यूज फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट? सी बेसिकली स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, आई टेल यू, फिजिकल रिसोर्स, फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स मीन्स व्हाट? आपकी कंपनी में जो मशीनरी होता है वो, राइट? फिनेंशियल मीन्स कितना पैसा है आपके पास। एंड ह्यूमन रिसोर्स मीन्स जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ओके, एब्सोल्युटली मेकिंग द राइट यूज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स यू आर। तो उसमें वही का है ऑप्टिमम, यू सी इन सिंपल वर्ड्स आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट? हमें सब चीजें वसूल करनी है। अगर मैं एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी दे रही हूँ, तो हाउ विल आई मेक श्योर कि मैं वो पूरा वसूल करूँ, मैं उसे 1 लाख का काम ले लूँ, राइट? दैट इज बेसिकली वॉट इज टोल्ड ओवर हियर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमम मतलब नॉट कम यूज, बेस्ट प्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट? दैट इज वॉट इज टोल्ड ओवर हियर इज। सो टेल मी स्टूडेंट्स, अभी ये आंसर हमारा हो चुका है, वीडियो जो है अभी टाइम कम है, इसलिए आई विल शो यू नेक्स्ट लेक्चर। ये पूरा एक ही आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, ओके? बट इसमें 3 टाइप्स थे, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस आज हमने किया है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू फर्म्स, नेक्स्ट टाइम वी विल डू टू कस्टमर्स एंड सोसाइटी। टोटल 3 ग्रुप्स है। तो हैव यू अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर? किसी को कुछ भी डाउट है देन प्लीज आस्क मी। I am typing your assignment question now in the chat.
चैट बॉक्सेस. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी. एंड आज का लेक्चर समझ में आए तो प्लीज यस लिखो. एंड सी स्टूडेंट्स, एग्जाम में यू नो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस एक ही है वो क्वेश्चन. डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम आपने हमें सिग्निफिकेंस पढ़ाया है, इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ाया. तो स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस का मीनिंग एक ही है. ओके सी स्टूडेंट्स, एवरी वन हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स. दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टूडे. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू बिजनेस फॉर्म्स. ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी जो है और टू कस्टमर्स जो है, ये आंसर जो है वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी कोई भी पॉइंट में. वीडियो टाइम कम है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ. आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम आई विल शो इट टू यू. ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच. एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग मेरे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी देख रहे हो. ठीक है, लेट मी स्टॉप.